Hi student, welcome to the my YouTube channel Comet. First of all, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये कॉमेट है क्या, क्योंकि लोग इसको स्पेल कर सकते हैं COMET, but it's not COMET, it's a COMAT. What is it? Just see. COMAT. First of all, COM, here the COM stands for computer. And the MAT stands for mathematics. So guys, here is the combination of computer and mathematics. So let's start. Basically, मैंने ये चैनल बनाया है, मैंने उन लोगों के लिए बनाया है जो क्लास कॉलेज में भी क्लास करते हैं, ट्यूशन में भी क्लास करते हैं, लेकिन इसके बावजूद होता क्या है कि वो लोग फुल्ली फोकस नहीं कर पाते हैं और एग्जामिनेशन से पहले वो काफी ज्यादा पजल में रहते हैं कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है एटसेट्रा एटसेट्रा. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो आज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मैं शुरू करने जा रहा हूँ, ये बेसिकली पेपर किनका है? ये कंप्यूटर साइंस होल्डर्स का, जो कि कंप्यूटर साइंस डिप्लोमा दैट इज पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, उन लोगों के 6th सेमेस्टर में एक पेपर आता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग. ये कंपल्सरी पेपर है, सबसे पहली बात. दूसरी बात कि इस क्लास का मेरा मेन मोटो ये रहेगा कि जो लोग भी कहीं भी क्लास करते हो, वट एवर, आप कॉलेज में क्लास करो, किसी इंस्टीट्यूशन में क्लास करो, या किसी पर्टिकुलर टीचर के पास क्लास करो, कहीं भी आप क्लास कर रहे हो, एक समय होता क्या है कि क्लास सिलेबस कंप्लीट होने पे खत्म हो जाती है और लोग 6th चैप्टर में पहुंचने के बाद फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ाई हुई थी वो भूल जाते हैं. उनके पास नोट्स रहता है लेकिन फिर भी वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं. बस आप लोगों के लिए ये मैंने चैनल बनाया है जहां पर मैं सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट और टॉपिक वाइज टॉपिक वीडियोस डालता रहूंगा. और बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद आप इसको सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें. फर्स्ट ऑफ ऑल, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में अगर देखा जाए तो सबसे पहले पर्पस ऑफ टेस्टिंग, अगर हम इस चैप्टर के हेडिंग की बात करें सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूंगा कि आप लोग इस चीज को ध्यान से सुने ताकि अच्छे तरह से सुने हुए रहिएगा, समझे हुए रहिएगा, तो एग्जाम में खुद भी आंसर कर सकते हैं, किसी चीज को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की. तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में सबसे पहली बात, जो सॉफ्टवेयर है वो है क्या, लोग यही नहीं समझ में आता है सॉफ्टवेयर क्या है. तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर में अगर हम जानना चाहें, द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज नोन एज सॉफ्टवेयर. सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो होता है वो क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है. और इस सॉफ्टवेयर को कहीं भी हम बनाते हैं ताकि हमारा काम आसान से आसान हो सके, और इस आसान करने के चक्कर में हम एक चीज करना भूल जाते हैं, वो है टेस्टिंग. तो हम यहां पर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग पेपर में पढ़ेंगे कि सॉफ्टवेयर को बनाते हैं तो टेस्टिंग करना क्यों जरूरी है और क्यों नहीं जरूरी है. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर में अगर टॉपिक वाइज हम लोग चले, सबसे पहला यूनिट जो हम लोग को पढ़ना है, इसमें टोटल 9 यूनिट्स है, फर्स्ट यूनिट जो हम लोग को पढ़ना है दैट इज पर्पस ऑफ टेस्टिंग. तो ये पर्पस ऑफ टेस्टिंग में सबसे पहले चलते हैं. पर्पस ऑफ टेस्टिंग की थोड़ी हम बात करें तो आप लोगों को ध्यान से सुनने वाली बात होगी कि आखिर क्यों जरूरत पड़ी टेस्टिंग की. सॉफ्टवेयर बनाने के बाद, सॉफ्टवेयर तो कोई बच्चा नहीं बनाता है, खेलता हुआ बच्चा या फिर कोई भी, सॉफ्टवेयर तो एक वेल नोन डेवलपर ही बनाते हैं. तो जब वेल नोन डेवलपर बना रहे हैं तो फिर टेस्टिंग की जरूरत क्यों, कहीं ना कहीं तो मन में ये ख्याल आया होगा. तो आइए सबसे पहले मैं उस चीज को क्लैरिफाई कर दूं कि ये आखिर टेस्टिंग की जरूरत क्यों पड़ती है. टेस्टिंग की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि कोई भी, नो वन इज परफेक्ट इन दिस यूनिवर्स, ये तो सबको पता होगा कि इस यूनिवर्स में कोई भी परफेक्ट नहीं है. ठीक उसी तरह से हमारे जो डेवलपर्स होते हैं वो एट द टाइम ऑफ राइटिंग सम इंस्ट्रक्शंस, दैट मींस प्रोग्राम, दैट मींस सॉफ्टवेयर क्रिएटिंग, एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग सॉफ्टवेयर, उनसे भी कुछ गलतियां होती हैं, या फिर हम ये कहें कि गलतियां नहीं भी होती हैं तो वो जो टारगेट है, एक स्पेसिफिकेशन है, उसके अकॉर्डिंग वो सॉफ्टवेयर को बना नहीं पाते हैं, जिस कारण से सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की जरूरत पड़ती है. लेकिन अगर इसके इवैल्यूएशन की बात करें, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के इवैल्यूएशन की, तो आखिर टेस्टिंग का जन्म कहां से हुआ, सबसे पहले उस चीज को हम जानते हैं. तो टेस्टिंग का जन्म हुआ है उन 5 कहानियों से जो कि आपके सिलेबस में यहां पर अभी हम लोगों को पढ़ना है. अब वो 5 कहानियां हैं क्या क्या, सबसे पहले मैं ये बता दूं ये 5 कहानी वैसे रिलेटेड है क्योंकि जब तक कोई हमारे साथ घटना घटती नहीं है तब तक हम सिक्योर नहीं होते हैं कि हमको ऐसे चलना चाहिए. रास्ते पे हम मस्त मौला टाइप से चल रहे हैं, जब तक हमको चोट नहीं लगेगी तब तक हमको नहीं पता चलेगा कि हमें रास्ते पर मस्त मौला टाइप से नहीं,
देख कर चलना चाहिए, क्योंकि सामने में पत्थर हो सकता है, गड्ढे हो सकते हैं जिसमें हम गिर सकते हैं या हमें चोट लग सकती है। ठीक उसी तरह से यहां पर पांच कहानियां हैं। सबसे पहले का पहली कहानी है डिज्नी लायन की, डिज्नी लायन किंग, डिज्नी लायन की। एक्चुअली में पहले क्या होता था, डिज्नी जैसा कि आप लोगों को पता होगा, बच्चों के कॉमिक्स बनाने या फिर बच्चों से रिलेटेड काफी मतलब फेमस कंपनी थी डिज्नी। एक वक्त ऐसा आया जो ये ऑलमोस्ट 1994 की बात है, उस वक्त हुआ क्या कि लोग कंप्यूटर की तरफ लोगों की रुझान धीरे धीरे बढ़ रही थी। जब कंप्यूटर की तरफ लोगों की रुझान बढ़ रही थी तो डिज्नी ने सोचा कि क्यों ना हम बच्चों को कंप्यूटर की ओर अट्रैक्ट करें। ध्यान से सुनिएगा ये स्टोरी, क्योंकि सुना हुआ स्टोरी आप एग्जाम में अच्छे से बना कर लिख सकते हैं। तो डिज्नी ने सोचा कि हम क्यों ना बच्चों को अपनी तरफ इंटरेक्ट करें। तो बच्चों को कंप्यूटर की तरफ इंटरेक्ट करने का एक ही तरीका था, गेम बनाना, क्योंकि बच्चे अगर कंप्यूटर से इंटरेक्ट होंगे तो वो गेम देखेंगे। तो यहां पर हमने डिज्नी लायन किंग जो एक प्रॉब्लम, सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम आया था, कैसे आया था वो चीज समझते हैं। डिज्नी ने क्या किया कि एक सॉफ्टवेयर गेम बनाया, और इसको हाईली एडवर्टाइज किया, जिस कारण से क्या हुआ कि पूरे मार्केट में ये गेम छा गया। काफी ज्यादा बिकने के बाद अचानक कुछ दिनों के बाद डिज्नी कंपनी के कस्टमर केयर डिपार्टमेंट में काफी ज्यादा कॉल आने लगे। क्यों भाई? सारे पेरेंट्स, सारे बच्चे कॉल कर रहे थे। क्यों? क्योंकि ये जो था विदाउट प्रॉपर टेस्टिंग के मार्केट में रिलीज कर दिया गया था। देखिए टेस्टिंग की बात करिए, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, तो विदाउट प्रॉपर टेस्टिंग के ये मार्केट में रिलीज कर दिया गया था। अब जब मार्केट में रिलीज किया गया तो प्रॉब्लम्स आना वाजिब है, क्योंकि प्रॉपर टेस्टिंग नहीं हुई थी। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या चीज की आई, वो चीज सबसे पहले समझते हैं। यहाँ प्रॉब्लम आई कि लोगों ने देखा कि ये किसी सिस्टम पे चल रहा है, ये गेम किसी सिस्टम पे नहीं चल रहा है। कभी कभार क्या होता था कि एक सिस्टम पर एक बार चलता था और फिर दूसरे बार ये गेम नहीं चलता था। यहां पर एक वर्ड आता है जो कि आप लोग प्रीवियस सेमेस्टर सेमेस्टर 1, 2, 3, 4, 5 में पढ़ चुके होंगे, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी। ये जो डिज्नी लायन किंग ने एक गेम बनाया था इसमें प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी की शिकायत आई। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी है क्या? इन्होंने ये जो गेम बनाया था वो पर्टिकुलर अपने यहाँ के लोग जो डेवलपर इनके यहाँ अपने बैठे हुए थे अपने सिस्टम पर बनाया, और इनको डिफरेंट सिस्टम पर चेक नहीं किया। जब डिफरेंट सिस्टम पर चेक नहीं किया तो हुआ क्या कि बनाने के बाद इसमें जब दूसरे सिस्टम पर ले जाया गया तो एक बार चला, दूसरी बार नहीं चला, कभी कभी तो किसी सिस्टम पे एक बार भी नहीं चला, जिस कारण से लोग खरीदने के बाद कॉल करना स्टार्ट कर दिए। तो यहां पर हमको ये पता चला कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होना इसके लिए बहुत जरूरी था इस पर्टिकुलर डिज्नी लायन किंग के। वो जो प्रॉब्लम आई थी वो किस प्रकार की प्रॉब्लम थी? तो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी की। जबकि हमको पता है कि कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना होता है तो वो कैसा बनता है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ना कि प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। क्योंकि आप अगर प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट बना देंगे तो केवल वो उसी डेवलपर के सिस्टम पर चलेगा जिस डेवलपर ने उसको बनाया है, दूसरे डेवलपर के सिस्टम पर नहीं चलेगा। ये थी पहली कहानी। अब हम दूसरी कहानी के ऊपर चलेंगे। सो जस्ट थिंक अबाउट इट, एंड इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन देन राइट द क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन बिलो द वीडियो, और यू कैन मेल अस, आई विल प्रोवाइड यू द माई ईमेल आईडी। ओके, जस्ट थिंक अबाउट इट। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा डिज्नी लायन किंग प्रॉब्लम क्या है, इसके बाद दूसरा सॉफ्टवेयर एरर केस पे हम लोग चलेंगे। ये पांच टोटल सॉफ्टवेयर एरर केस है, तो ये दूसरे सॉफ्टवेयर एरर केस पे चल रहे हैं जिसका नाम है इंटेल पेंटियम फ्लोटिंग पॉइंट डिवीजन बग। इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि कंप्यूटर केवल दो बिट पे काम करता है, एक जीरो और एक वन। अगर कंप्यूटर किसी भी कंप्यूटेशन के बाद जीरो देता है दैट मींस देयर इज नो एनी एरर, और अगर किसी कंप्यूटेशन के बाद वन देता है दैट मींस देयर इज एन एरर। तो एक एक्सप्रेशन ये है जिसके नीचे मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, इसका आइदर आप लोग स्नैपशॉट ले सकते हैं या फिर इसको अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। हुआ क्या था कि इंटेल ने एक माइक्रोचिप बनाया था और उसको मार्केट में बिना प्रॉपर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के मार्केट में उतार दिया था। मार्केट में उतारने के बाद जब उस पर वर्क किया जा रहा था तो एक ऐसा एक्सप्रेशन सामने आया जिसको सॉल्व करने पर क्या आ रहा था, वन, जो कि एक्चुअल में आना क्या चाहिए था, जीरो। तो एक्चुअल में आना चाहिए था जीरो, दैट मींस देयर इज नो एनी एरर, बट वहां पे वन आया, दैट इज समथिंग एन एरर, कुछ तो एरर है।
तो इस टाइप का एक एरर आया, जिसने ये एरर फाइंड आउट किया उन्होंने क्या किया कि ये एक्सप्रेशन को इंटरनेट पर डाल दिया। इंटरनेट पर डालने के बाद ये सीरीज का माइक्रोचिप काफी ज्यादा मार्केट में बिक चुका था। लोगों ने इस चीज को अपने सिस्टम पर इस एक्सप्रेशन को डाल के देखा तो उनके सिस्टम में भी क्या रिजल्ट आया, 1। आप भी अपने सिस्टम पर डाल के देख सकते हैं, अगर 0 आया दैट मींस एवरीथिंग इज ओके, और अगर 1 आया तो डरने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाइए कि आपका वही सीरीज का माइक्रोचिप है जो कि इंटेल ने उस वक्त बनाया था। ये कब की कहानी है, तो 1994 की, जो कि आई थिंक आपके सिस्टम में अभी नहीं होगा। चलिए आगे मूव करते हैं हम लोग। तो ये एक ऐसी कहानी थी जो कि प्रॉपर टेस्टिंग के बिना ही उतार दिया गया था। जब हुआ क्या कि लोग इंटेल तक बात ये पहुंची कि भाई आपके माइक्रोचिप जो आपने मार्केट में सेल किया उसमें ये प्रॉब्लम है, तो उसने कहा कि ये कोई बग थोड़ी है, ये कोई एरर नहीं है। जब एरर नहीं है तो क्या है भाई ये, तो उन्होंने कहा कि ये प्रॉब्लम उन लोगों के सामने आया था लेकिन ये कोई बड़ा इश्यू नहीं है, ये रेयर प्रॉब्लम है, इस चीज को इग्नोर करके आप वर्क करते रहिए। तो मामला जाकर कोर्ट में पहुंचा, तो कोर्ट ने ये डिसीजन सुनाया कि आप जितने भी माइक्रोचिप मार्केट में सेल कर चुके हैं उस सारे माइक्रोचिप को वापस लीजिए और उसके जगह पर फ्रेश यानी नया विथ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, प्रॉपर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग आप उसको करने के बाद जो तैयार है उसको उनके वजह जगह पे फ्री में दीजिए। इस कारण से इंटेल को टोटल $400 मिलियन की नुकसान हुई थी, और वो केवल किसके कारण हुआ था, क्योंकि उन्होंने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रॉपर तरीके से नहीं किया था। तो ये दूसरी कहानी है जो कि हमको बताता है कि हमें कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने के बाद उसकी प्रॉपर टेस्टिंग करना बहुत जरूरी है। चलिए अब मूव करते हैं हम लोग थर्ड, नासा मार्स पोलर लैंड लैंडर। एक्चुअली में नासा क्या है ये तो सबको पता है, इसके बारे में नीचे बताऊंगा मैं। एक मार्स पोलर लैंडर तैयार किया गया था, किसके द्वारा तैयार किया गया था, नासा के द्वारा। ये कब की कहानी है, 1999 की। ये भी एक सॉफ्टवेयर एरर केस की कहानी है। तो यहां पे एक मार्स पोलर लैंडर मतलब क्या था कि एक लैंडर था जो कि मार्स पर जाएगा और वहां पर जाकर उतरेगा और फिर वहां जो भी होंगे वो फोटो वोटो लेगा और फिर वापस आएगा। तो हुआ क्या कि ये चीज बनाकर तैयार किया गया, बट यहां पर जो एरर आया था वो क्या था, सिंगल डेटा बिट एरर, डेटा बिट एरर, सिंगल डेटा बिट एरर। अब ये सिंगल डेटा बिट एरर क्या है मैं बता रहा हूं अभी आप लोगों को। जैसे मार्स पोलर लैंडर था क्या कि इस टाइप का एक शूट था, इस टाइप का, जिसमें कि 3 लेग्स थे जो कि इसको लैंड कराते हैं। आप लोगों ने देखा होगा डिस्कवरी पर या किसी मूवी वगैरह में तो कराते हैं। इसको डिजाइन ऐसे किया गया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये जैसे 1800 मीटर, नहीं राइट डाउन आप लोग लिख लीजिए, जैसे ये सरफेस से 1800 मीटर ऊपर रहेगा, सबसे पहले इसमें से क्या निकलेगा, एक पैरासूट, जो कि क्या करेगा इसकी स्पीड को थोड़ा कम करेगा। आपको पता है पैरासूट जैसे ही खुलता है तो उसका स्पीड कम हो जाता है, नीचे गिरने का स्पीड जो होता है। और जैसे पैरासूट खुलेगा सबसे पहला टास्क क्या है, पैरासूट का ओपन होना, ठीक है। दूसरा टास्क क्या था कि जैसे पैरासूट ओपन होगा ठीक वैसे ही इसके तीनों लेग्स खुल जाएंगे, ये 3 लेग्स हैं, ये तीनों लेग्स खुल जाएंगे। और इसके साथ ही तीसरा चीज क्या था कि जैसे ही लेग्स खुलेंगे इंजन ऑफ हो जाएगा और ये स्लाइटली जो है वहां पर लैंड कर जाएगा, ये चीज था। यहाँ पे 3 टास्क है, पहला पैरासूट का ओपन होना, दूसरा लेग्स का खुलना और तीसरा टास्क है इंजन का ऑफ होना। अच्छा ये तीनों देखिए आप कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड है। यहाँ पर एक प्रोसेस वर्क हो रहा है जिसको हम लोग कहते हैं लैच। आप लोगों को लैच मैंने बताया है प्रीवियस क्लासेस में, लैच क्या होता है, लैच क्या होता है, ये किसी एक का आउटपुट एज ए इनपुट किसी में लिया जाता है। बात समझ में आई कि 1 ये जो भी आउटपुट देगा ठीक है वो इसके लिए क्या चीज का काम करेगा, इनपुट का, और फिर इसका जो आउटपुट होगा वो अपना कुछ भी होगा या आगे चलेगा। तो यहां पर देखिए पैरासूट ओपन होगा तब तो लेग ओपन होगा, और लेग जब ओपन होगा तब तो इंजन ऑफ होगा, ये तीनों कहीं ना कहीं लैचिंग पे डिपेंड कर रहा है। तो हुआ क्या कि एट द टाइम ऑफ टेस्टिंग ऐसा नहीं था कि ये मार्स पोलर लैंडर बना दिए और बिना टेस्टिंग के हम उतार दिए थे। जब नासा ने ये मार्स पोलर लैंडर बनाया तो प्रॉपर टेस्टिंग भी किया था इसने, बट कहां गलती हुई थी वो देखिए। उन्होंने क्या किया कि इसका एक अलग अपना टेस्टिंग किया,
फिर इसका एक अलग अपना टेस्टिंग किया और इसका एक अलग अपना, मतलब कि जब इंजन ऑफ हो रहा था तो उन्होंने मान लिया कि लेग्स ओपन हो चुका है, और उन्होंने जो मान लिया था जब लेग्स ओपन हो रहा है तो पैराशूट ओपन हो चुका है, यानी कि तीनों टास्क रियल वर्ल्ड में उन्होंने करके नहीं देखा था, वो उन्होंने ट्रायल मोड में करके देखा था। लेकिन जब वहां पर पहुंचा तो हमारा यहाँ पे कौन सा एरर आया, सिंगल डेटा बिट एरर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक डेटा बिट है लेकिन यहाँ और यहाँ का लेके दो डेटा बिट हो जाएगा, दोनों का, दोनों को मिलाने के बाद जो डेटा बिट एरर आ रहा है, क्योंकि स्टोरेज तो सिंगल डेटा बिट की थी और यहाँ पे दो डेटा बिट हो रहा है, तो वैसा जो एरर आया उस टाइप को हमने कहा कि यहाँ पे एक एरर आया, जो कि किसके कारण आया है, क्योंकि प्रॉपर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग नहीं किया गया। सब में वही है, टेस्टिंग कहीं हुआ है कहीं नहीं हुआ है, लेकिन प्रॉपर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कहीं पे नहीं हुआ था। ये थर्ड वाले में नासा मार्स पोलर लैंडर, जो कि 1999 की बात है, इसमें सिंगल डेटा बिट एरर आई थी। आई बात ये समझ में? ये हम लोगों ने कितना किया, 1, 2 और 3 स्टोरी पर हम लोगों ने कवर अप कर लिया। अब चौथा हम लोग चलेंगे, पैट्रियोट मिसाइल डिफेंस सिस्टम। पैट्रियोट मिसाइल डिफेंस सिस्टम ये क्या है? ये एक स्टार वॉर सीरीज का यूएस का एक मिसाइल सिस्टम है, जो कि स्पेशली बनाया गया था गल्फ कंट्रीज के लिए। जस्ट लिसन वंस अगेन, मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं कि ये जो डिफेंस सिस्टम है, ये जो डिफेंस सिस्टम बनाया गया था, ये पर्टिकुलरली यूनाइटेड स्टेट का एक डिफेंस सिस्टम है, जो कि पर्टिकुलरली बनाया किसके लिए गया था, गल्फ कंट्रीज के लिए। और ये जो था स्टार वॉर सीरीज, जिस पे हॉलीवुड की काफी मूवीज भी आ चुकी है, स्टार वॉर सीरीज का एक नमूना था, ठीक है, स्टार वॉर सीरीज का नमूना था। अब इसमें क्या प्रॉब्लम आया, इसको समझाऊंगा मैं, इसको आप लोग समझ लीजिए कि इसमें आखिर प्रॉब्लम क्या आया था। इसमें प्रॉब्लम ये आया था कि इसमें जैसे मान लीजिए ये मेरे जो 5 फिंगर्स है, ये 5 मिसाइल्स के हैं, ठीक है, ये गल्फ कंट्री यानी सऊदी अरब की कहानी है, ये रियल है, ऐसा नहीं कि कोई भी स्टोरी मैं फेक बता रहा हूं या कुछ भी, ये आप कहीं भी देखिए ये रियल स्टोरी है। तो ये पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम में क्या था कि ये 5 मिसाइल सिस्टम था, जो कि तब एक्टिव होते थे जब इन लोगों के बीच में टाइमिंग था कि सामने से अगर कोई मिसाइल आ रहा होगा, बैलिस्टिक मिसाइल, सबसे पहले ये जान जाइए कैसा था, तो सरफेस टू एयर था, सरफेस टू एयर, मतलब सामने से अगर कोई बैलिस्टिक मिसाइल आ रहा है तो उसको रोकने के लिए यहां से एक चलता था, कहां से, पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम से एक चलता था। तो होता क्या था कि टाइमिंग था सबके, ये पांचों जो मिसाइल्स हैं, इन पांचों के बीच में टाइमिंग लगा हुआ है, टाइमिंग लगा हुआ है, दैट मींस कि प्रोग्राम है कि ये क्लिक होने के इतने देर के बाद, ये क्लिक होने के इतने देर के बाद, यानी कहीं ना कहीं सेंसर भी लगा हुआ होगा जो कि देख रहा होगा कि सामने से कौन सा आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा है, तभी तो ये एक्टिव होगा, हवा में तो ये इसी तरह जाकर नहीं होगा। तो मान लीजिए कि ये जैसे एक्टिव हुआ, सामने से कोई आ रहा था, तो ये जाके यहां से निकल गया, नंबर वन के बाद फिर टेस्टिंग इसका था, कुछ देर के बाद ये टेस्टिंग करेगा, लेकिन ये कुछ देर के बाद टेस्टिंग नहीं किया इसका सेंसर कमजोर होने के बाद, या फिर सपोज दैट मान लीजिए ये कर भी लिया तो ये भी आया, इसको भी रोक लिया। फिर थर्ड वन जब आया तो यहाँ पे क्या हुआ कि थर्ड वन प्रॉपर टाइम पे टेस्ट नहीं किया, जिस कारण से जो इधर से आ रहा था इसका तो टाइमिंग बंधा हुआ था कि इसके इतने देर के बाद ये टेस्ट करेगा, लेकिन उतने देर के बाद इन्होंने टेस्ट किया नहीं, जिस कारण से क्या हुआ कि इधर से जो मिसाइल आया और यहाँ पर आके ब्लास्ट कर गया, जिस कारण से यहाँ जितने भी 28 यूएस सोल्जर्स की जाने गई थी, यानी कितने सोल्जर्स मारे गए थे, 28 यूएस सोल्जर्स मारे गए थे इस पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम फेलियर केस में। आप कहीं पे भी देखिएगा ये आपको मिल जाएगा, काफी टाइम से डिस्कवरी पे भी दिखाता आया है कि पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम ये फेमस इसलिए था क्योंकि ये यूएस के द्वारा फर्स्ट टाइम स्पेशली गल्फ कंट्रीज में फाइट करने के लिए बनाया गया था, सरफेस टू एयर मिसाइल। इज इट क्लियर? नाउ द लास्ट वन इज द Y2K बग एरर। Y2K बग एरर ये उन सारे लोगों के लिए जरूरी है जो कि नॉर्मल बैंकिंग एग्जाम, SSC एग्जाम, या फिर रेलवेज में, या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं, क्योंकि वहां एक मोस्ट फेवरेबल क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि व्हाट इज Y2K। तो Y2K किससे रिलेटेड है ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको सीधे क्या बोलना है, कंप्यूटर से। Y2K है क्या, तो ये एक टाइप का बग है, एक टाइप का एरर है जो कि कंप्यूटर में आता है। अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि ये एक टाइप का बग है, एरर है, कंप्यूटर से रिलेटेड है, तो आखिर है क्या, है क्या उस
उस चीज को समझने से पहले मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा, मिस्टर कोई भी ले लीजिए, मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स हम लेते हैं। मिस्टर एक्स क्या थे कि उनको किसी कंपनी में जॉब करते थे वो, और उनके पास जो जॉब करने के बाद मतलब जो भी जॉब करते थे तो डेटा को कहीं ना कहीं स्टोर करेंगे, कंप्यूटर फील्ड में थे तो स्टोर करने के लिए काफी उनको लेस अमाउंट ऑफ मेमोरी दिया गया, लेस अमाउंट ऑफ मेमोरी दैट मीन्स बहुत कम मेमोरी दिया गया। जब उनको बहुत कम मेमोरी दिया गया तो उन्होंने जैसे मान लीजिए कि 1991 सीरीज के डेटा को सेव करना है तो उन्होंने क्या किया कि 1901 के डेटा को क्या से सेव कर दिया, लास्ट टू डिजिट, इंस्टेड ऑफ फोर डिजिट उन्होंने क्या यूज किया, केवल लास्ट का दो डिजिट। उसी तरह से 1902 को सेव करने के लिए उन्होंने क्या यूज किया, 02। 1999 तक तो उनका काम चल गया, 1999 तक। लेकिन आपको भी याद होगा कि 2000 जब आने वाला था मिलेनियम, तब उस वक्त काफी मतलब अफवाहें फैली थी कि 2000 के बाद सिस्टम वर्क नहीं करेगा, दुनिया तबाह हो जाएगी, ऐसा ऐसा सुना होगा आप लोगों ने। तो हुआ क्या कि 1999 तक तो डेटा 99 नाम से सेव हो रहा था। अब बात किसकी आई थी यहाँ पे, किसका आया समय, 2000 का। यहाँ पे लास्ट का टू डिजिट चलिए 00 भी सेव हो गया, यहाँ तक भी सब कुछ सही था। लेकिन जब इसके बाद 2001 की बारी आई तो फिर डेटा क्या चीज से सेव हुआ, 01 से, जो कि डुप्लीकेसी क्रिएट कर दिया 0101। और जब भी डुप्लीकेट होता होगा आप लोगों ने देखा होगा एट द टाइम ऑफ कॉपी पेस्ट वो क्या करता है कि पुराने वाले पे रिप्लेस कर देता है, मतलब पुराने वाले को हटाकर नया वाला वहां पर आ जाता है। वुड यू लाइक टू रिप्लेस इट और स्किप इट, ये ऑप्शन आता होगा आप लोग जब कॉपी पेस्ट करते होंगे सेम नेम का दो फोल्डर। तो यहाँ पर भी सेम 01 नाम से 01। अब सोचिए 1991 का सारा डेटा जा चुका और उसके जगह पर कौन सा डेटा आ गया, 2001 का। फिर इसके बाद जब 2002 आया तो फिर क्या हुआ, 2002 में भी 02 नाम से सेव हो गया, जो कि फिर डुप्लीकेसी क्रिएट किया। इस तरह से डेटा डुप्लीकेट स्टार्ट होना हो गया था, शुरू हो गया था। तो इस ये भी एक तरह का क्या आया, यहाँ पे कोई ना कोई बग आया। और इसी टाइप के बग को जहां पर ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था हम लोग कहते हैं द Y2K बग। इज इट क्लियर? सो मैं रिकैप कर देता हूँ उस पूरे क्लास का, जस्ट लिसन केयरफुली कि हम लोगों ने क्या देखा है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जो कि डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए सेमेस्टर 6 का एक कंपल्सरी पेपर है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, इसमें सबसे पहला यूनिट जो हम लोग को पढ़ना है वो है पर्पस ऑफ टेस्टिंग। पर्पस ऑफ टेस्टिंग में सबसे पहला हम लोगों ने देखा है सॉफ्टवेयर एरर केसेस, आप अपना सिलेबस देख लीजिएगा वहां पे होगा ये चीज। सॉफ्टवेयर एरर केसेस टोटल 5 तरह का सॉफ्टवेयर एरर केसेस पढ़ना है। पहला डिज्नीलैंड किंग, दूसरा इंटेल पेंटियम फ्लोटिंग पॉइंट डिवीजन बग, तीसरा नासा मार्स पोलर लैंडर 99, चौथा पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम एंड द फिफ्थ वन इज द Y2K बग। आप इस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए या इस वीडियो को सेव करके एग्जाम के एक दिन पहले देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम के एक दिन पहले देखने से क्या होगा कि आपको सारा चीज रिकैप हो जाएगा, आपको बार बार लिटरेचर पढ़ना नहीं पड़ेगा, इसी को स्मार्ट स्टडी कहते हैं। इसके बाद क्या कीजिएगा कि आप इससे एक अपना व्यू तैयार कर लीजिएगा कि एग्जाम में मेरे को लिखना कैसा है, बार बार लिखने की जरूरत भी नहीं है। और एग्जाम में जाके विथ योर ओन वर्ड आप पूरे चीज को सॉफ्टवेयर एरर केस को पांचों कहानी को आप अपने तरीके से लिख सकते हैं। मैं नहीं मानता हूं कि आपको यहां पे कोई दिक्कत आनी चाहिए, लेकिन अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप क्या कर सकते हैं, आप दो जगह है जहां पर आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं। पहला, आप वीडियो के नीचे जाएंगे और कमेंट सेक्शन में जो भी आपको क्वेश्चन आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन पूछना चाहिए, ये क्वेश्चन मेरे को नहीं आया, या फिर ऐसे बताना चाहिए, आपका अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। या फिर इफ यू हैव आस्क एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन अबाउट दिस सॉफ्टवेयर टेस्टिंग पर्टिकुलर पर्पस ऑफ टेस्टिंग दैट मींस सॉफ्टवेयर एरर केसेस, देन आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। मेल करने के लिए मेरे चैनल का नाम कॉमेट वर्ल्ड COMAT लिसन एटी COMAT कॉमेट WORLD वर्ल्ड 007@gmail.com। आप इस मेल आईडी पर मुझे मेल कर सकते हैं क्वेश्चंस, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जब डालूंगा तो उसमें आपके क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा और आपको बता दूंगा।
याद रहे ये 5 सॉफ्टवेयर एरर केसेस मैंने आपको बता चुका हूँ, मैंने बता दिया है। इसके बाद जो आपके सिलेबस का होगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, जो कि बग वगैरह के बारे में है। आई थिंक आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। इट इज़ द न्यू जनरेशन ऑफ योर स्टडी, सो प्लीज़ अप्रिशिएट मी बाय सब्सक्राइब दिस माय चैनल, दिस वीडियो पर्टिकुलरली, एंड थैंक्स अ लॉट।